आपका भाई गर्मी गर्मी हो गया है, ठीक है ना जी? क्योंकि भाई जी गर्मी है ही बहुत ज्यादा, और शोर नहीं करो बच्चों। और भाई जी आपका भाई जा रहा है गांव, गांव जा रहे हैं आप लोग? आप लोग फातिमा जैनब तो भाई जी नानी घर जा रहे हैं। आपका भाई चलाएगा गाड़ी और जाएगा अपनी नानी घर, ठीक है ना जी? तो भाई जी अल्लाह का नाम ले देना, अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्फ़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह तेरे सुरूर तेरे हिफ्ज़ ईमान। अच्छा भाई जी, तो अब हम जो है ना मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं, लेकिन मैंने कहा उससे पहले जो है ना गाड़ी का जो टैंक है ना वो फुल करवा लें, क्योंकि भाई जी सफ़र ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी पहुंच गए हैं भाई जी अपने दादरिया के पिंड। गड्डी चला चला के ना थोड़ा भाई थक गया है बहुत ज्यादा, इतने हम जरा भाई जी भाभी होना उतारा नहीं, ठीक है सारे मिला भाई जी, तो फिर निकलेंगे अगे शूटर पड़ते। माशाल्लाह जी चाचा जी ने इतने रखे हुए ने बकरे, चेक करो चिट्टा, ये ठसी नहीं कराया है, है अज लिया सारे बकरे तो ए तो बकरी है जी भाई जी, ए चेक कराने थोनू, ए बकरा, ए भी बकरा दो, ए चिट्टा भी बकरा, एक दो तीन बकरे, ए बकरी तो ए बकरी, वो यार ठसी कराओ यार तारे पलने के फिर माशाल्लाह। आह सोने किसे भाई दे पे ने भाई जी, ओहो माशाल्लाह जी कबूतर भी रखे हुए ने, वाह जी वाह, ये तदों तो रखे ने भाई, मैं ना मेरे ख्याल के नाल बड़ी देर बाद आया जरा मैं पता नहीं है। आह कबूतर बाहर भी छड़े हुए ने, उड़ी ना जाना उत्ते भी बैठे ने माशाल्लाह। ओलियो मोलियो ओले मोलियो भाई जी, बोतल शोतल नो ना शरबत ठीक है, अभी की पाया टैन पाया, नींबू पाया, जामिश्री पाई, हाँ चीनी काला नमक भी पाई जी, पैपसी नाल बहुत अच्छा है पई है, आदत अपना मजेदार जी। हमारा ना यहाँ पे माशाल्लाह खाने का इस्तेमाल हुआ हुआ था, तो अब हम यहाँ पे खाने लगे हैं भाई जी खाना, है रहा जी साडा चिकन का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी खाना शाना अच्छे से खा लिया और चाय भी पी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निशान भाई बैठ जाओ, शाबाश। नहीं अब आप ना एक शख्स से मिलाते हैं डॉक्टर साहब से, आए जरा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओ बाल जिथे दे तेरे पुत नो, अच्छा और जिदा घर बार सब खैरियत है? भाई जी हम ना इस जगह पे जा रहे थे रास्ते में, हमें जो है ना माशाल्लाह हमारे प्यारे भाई उमर से मिल गए, तो मैंने कहा उनसे जरा सलाम दुआ ले लें। तो भाई जी हमने किधर जाना है निशान भाई, अपनी ऑडियंस को ना उधर लेटे चलते हैं। जगह ऐसी है भाई जी जहाँ ना हर बंदे ने जाना ही जाना है, एक ना एक दिन ना भाई जी वहाँ पे जाना ही जाना है, जिसका जब टाइम आएगा ना उसे वहाँ पे जाना है। और ये जो आप टोटली नजर आ रही है ना जिधर से हम जा रहे हैं, यहाँ पे ना आपके भाई का भाई जी बचपन गुजरा है। गर्मियों में छुट्टियां होनी, हमने भाई जी गाँव आ जाना, इन रास्तों के ऊपर अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे, तब भाई जी हमने जा रहे ना पैदल जाना या फिर रेड़ी पे जाना, पट्ठे लैन जाना, बकरियां लै के भाई जी असी ना खेतों के वड़ जाना। आपका भाई आ गया है अपने गाँव के कब्रिस्तान में। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो भाई जी इस कब्रिस्तान में ना जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे प्यारे दादा दादी की कब्र है यहाँ पे, मेरी परदादी की कब्र भी इधर ही है। फैसलाबाद से आया हुआ था इधर टोबा डेसिन, मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ना यार बड़ा टाइम हो गया ये दादा दादी की कब्र के ऊपर ना हाजिरी नहीं थी, तो अभी हम यहाँ पे आ गए। ये जो कब्र है ना ये जहाँ पे लिखा हुआ है वली मोहम्मद वल्द इब्राहिम, ये मेरे दादा अबू की कब्र है। इधर से थोड़ा सा जाए ये मेरी प्यारी दादी अम्मा की कब्र है। तो अब यहाँ पे ना हम व्लॉग को बंद करते हैं और यहाँ पे मैं अपने प्यारे दादा दादी के लिए ना दुआ खैर कर लूँ। A few minutes later, मैं ना आप लोगों को ऐसी जगह दिखाता हूँ जब हम छोटे छोटे थे ना, तकरीबन कह लेंगे काफ़ी पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात है, ठीक है ना जी? तो जब हम यहाँ पे आते थे ना यहाँ पे ये अब ये इमारत जो है ना यहाँ पे गिराई हुई है, ठीक है, यहाँ पे ना घर होता था, रिहायश होती थी, ये देखिए अभी भी साथ एक कमरा सा बना हुआ है और ये दरबार टाइप बना हुआ है। तो यहाँ पे ना हमारे होते थे अंकल जी, हम बाबा कब्रों वाला कहते होते थे उन्हें। और भाई जी ये जो आप देख रहे हैं ना बोर्ड है ना निशान है, बोर्ड रहने मैं तो दरख्त ही बोलूँगा, ठीक है ना भाई जी? ये जो दरख्त अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये दरख्त भाई जी पता है आपको कितना पुराना है, मैं बताता हूँ आपको।
ये मेरी पैदाइश से पहले का है। तो जनाजगाह तो अब इन्होंने अपडेट कर दी है, पहले तो बड़ी पुराने टाइप की जनाजगाह होती थी। इन्होंने अब माशाल्लाह यहाँ पे जाना पत्थर शत्थर लगा के पंखे शंखे लगा के बड़ी प्यारी यानी जाना ये जनाजगाह बना दिया, ताकि जब लोग जनाजा पढ़ने हैं तो उनके लिए किसी भी किस्म की मुश्किल का उनको सामना ना करना पड़े। ये देखें, और ये देखें, ये वो बोर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई जी। ये कम अज कम भी जो है ना 25 साल पुराना बोर्ड है। चले जी देखें माशाल्लाह, अब यहाँ के जो हमारे गांव के जितने भी रहायश पजीर हैं, ठीक है, जब वो जनाजा पढ़ने हैं जी, उनके लिए भी सहूलत हो रही है। एक और बात आपको बताऊँ, अभी ये कब्रें देखें इस साइड पर भी आ रही हैं, इस साइड पर भी ये एंड तक आ रही हैं। जब हम आते होते थे यहाँ पे तो यकीन करें ये साइड सारी खाली मैदान था। तो देखें कितने लोग फौत हो रहे हैं, एक दिन आखिर हमने भी यहाँ से इस दुनिया से जाना है। तो अपनी आखिरत को हमेशा ना अपने जहन में रखें। अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ कि जो बचपन में जी डंडी मार के ना कि भाई जी हम जो है बकरियाँ चराने जा रहे हैं, हम जो है ना भाई जी ये काम करने जा रहे हैं, हम कजन्स जो है ना सारे इकट्ठे हो के डंडी मार के ना भाई जी यहाँ पे हम आ जाते होते थे नहाने के लिए। तो अब ये देखें, ये तो छोटी सी अब नहर रह गई है, ठीक है, लेकिन तब ये जो है ना तकरीबन जितना अब इसका साइज है ना, इससे तीन गुना बड़ी नहर थी और कच्ची नहर थी, ठीक है। अब तो इन्होंने पच्ची कर दी है सारी नहर। इसके सामने भाई जी जो आपको ये कॉलोनी नज़र आ रही है, अभी नहीं नज़र आ रही, अभी तो मेरी शक्ल ही नज़र आ रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। निशान यार इधर है मेरे नाल आ, ठीक है ना जी। ये जो सामने कॉलोनी बन रही है ना भाई जी, ये हमारी अबाई ज़मीन होती थी, ठीक है ना जी, मेरे जो हैं दादा अबू उनके नाम थी, ठीक है, मेरे जो वालदेन हैं उनके भाई हिस्से में आई थी सारी ज़मीन। ये वहाँ से ले जे वो एंड से, ठीक है ना जी, और जहाँ तक ये कॉलोनी है वो ठंबा लगा हुआ है, ये पीछे सामने आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। ये सारी जगह ना हमारी होती थी, हमने भाई जी सेल कर दी है, अब नहीं है हमारी, पहले थी, ठीक है, तब यहाँ पे हम खेती बाड़ी करते होते थे, हम नहीं मेरे वालदेन, ठीक है, और हम यहाँ पे आजे भाई जी चिल करते होते थे, यहाँ पे माल्टे का बाग होता था और भाई जी पट्ठे शट्ठे लग रहे होंगे थे, क्यों दिशान साहब? हाँ जी, हाँ जी भाई जी, बाहर तो लग रही है मुझे इंतहा की गर्मी, तो भाई मैं ना अब एसी चला रही गाड़ी में बैठ रही हूँ, तो अब जो है ना मैं आपको साथ साथ ये कॉलोनी दिखाता हूँ, ठीक है भाई जी। अब इसके साथ हमारा लेना देना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने तो भाई जी कर दी है ज़मीन ये सेल, लेकिन भाई जी इस जगह के साथ हमारी यादें इतनी ज़्यादा हैं कि भाई मैं जब भी अपने जो लंगोटिए यार होते थे ना मेरे कजन्स, ठीक है ना, क्राइम पार्टनर हो गया मेरा, फिर उसके बाद फैसल हो गया, शबाद हो गया, अरशाद हो गया, उमर हो गया, जिशान जी यार इतने माल्टिया का बाहर हों ना सा आज माल्टे तोड़ने यार चिल करना है, ये सारा बात हो गया तकरीबन है, लोगों ने घर शहर बनाए, बिजली के खंभे ला गए हैं, बड़ी डिवेलपमेंट हो रही यार इतने। ए भाई जी सारे छेद होंगे सी, एक बार याद है, अच्छा भाई जी एक मरतबा इस तरह हुआ, नहर टुट जी, कच्ची नहर सी, नहर टुट जी भाई जी, पानी पिंड तक पहुंच गया। इस जगह के साथ ना बड़ी यादें हैं यार हमारी, कसम से मैं कहता हूँ इधर इधर एट मिनट, जरा एट मिनट, एट मिनट, एट मिनट, इसलिए बाहर आया हूँ, मुझे याद आ गया एक बार इस तरह हुआ कि हम जो है ना यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे थे और भाई जी बड़ी साड़ी जबरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही थी, सिर पट गया सीधा, पता चला याद है तेनू? गजब बेइज्जती है शहजादे, उदो आप छोटे छोटे सिरे भाई जी, हम इतों निकलिए चलिए अपना जमीन के नाल, हम कोई लेना देना नहीं। चले आप लोगों ने अपनी अबाई जमीन भी विजिट करवा दी जो अभी इस वक्त कॉलोनी की फॉर्म में है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी अभी भी हमारी यहाँ पे ना सामने जगह नजर आ रही है ना, ये पट्ठा नजर आ रहा है आपको इंटो वाला, ठीक है ना जी। तो इसके साथ इसकी बैक साइड पे जो जगह है मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये जो अब आपको जमीन नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जगह जो है ना अभी भी हमारे पास है, उधर तो भाई जी जगह सेल कर दी, डेवलपमेंट हो रही है, इतने कच्चा ही रोड है। आए हाय आपका भाई ना भाई जी अब आपको दिखाने के लिए आया है, जो आपके भाई के पास अभी भी जमीन है, लेकिन भाई जी वो भी हमने फॉर सेल रखी हुई है, वो भी हमने बेच रही है भाई जी, वो आपको दिखाते हैं। वो कॉलोनी सामने बन रही है, ये कब्रिस्तान है भाई जी, और कब्रिस्तान के इस साइड पे, ठीक है, और टुत्ते पहुंचने लगे हैं, वो पैरे टुत्ते, चलो छुट्टा दूर ही है, पर डड्डी बह जाए फटाफट जो टुत्ते आए इधर, ठीक है ना। अच्छा भाई जी ये ठाला नजर आ रहे ना तुम्हें, आ ठाले तो लै जो जिथे मझा खड़ी हैं, तो परले पासे जड़े घर बने ने, तो उधरले पासे यह जी दीवार है जी, यह डब्बा जोड़ा है ना, ये माशाल्लाह जोड़ा है साढ़ा है इस टाइम। ये थी हमारी यहाँ जी थोड़ी सी यादें, अब यहाँ से निकलते हैं। अल्लाह अकबर, अच्छा भाई जी सारा जो है ना विजिट शिजट आप तो करवा दी है, ठीक है ना जी,
तो अब जो है ना हम निकलने लगे हैं भाई जी बिहाड़ी के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सीन अब ऐसे है, मैंने और अम्मी ने जाना था बस, तो भाई जी अब जो है ना हमारे सफर में ट्विस्ट आ गया। माशाल्लाह बड़े अबू और बड़ी अम्मी भी जो हमारे साथ जाएंगे और हम सफर इंजॉय करते जाएंगे। तो अब अल्लाह का नाम ले रहे जो है ना उनको मैं गाड़ी में बिठा लेता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखे भाई जी माशाल्लाह बड़े अबू और बड़े बुढ़ा जी के बड़ी अम्मी अम्मी गाड़ी में बैठ रही हैं और भाई जी इनका जो पोता है भाई सईद का बेटा हसन का वो रो रहा है। भाई जी मेरे भी जा रहा है। चलिए बड़े अबू। बिस्मिल्लाह या अल्लाह तेरे सुपुर्द तेरे हिफ्ज़ आपका भाई इस वक्त मौजूद है चीचा वतनी का। भाई जी बड़ा फेमस पेट्रोल पंप है पीएस हो रहा ये रहा। भाई जी अब आप पूछेंगे तो चीचा वतनी के फेमस पेट्रोल पंप है आपका भाई जा रहा। भाई जी सुसु बड़ी जोर से आ जाए मैंने जा रहे भाई जी कर लीजिए। अच्छा तो भाई जी तुम्हें एक गल होर दसनी है। मैं जना सा फैसलाबाद तो टोबे का टाइम बरासा मोटरवे भाई बड़ा आसान सफर थी। तो भाई जी इतों मैं जा रहा बिहाड़ी भाई जी मोटरवे है कोई नहीं। तो भाई जी गड्डी चला चला ब्रेकां ला ला कदे खोता रेड़ी कदे रच्छे आला कदे मोटरसाइकिल ला ला कदे कोई कदे कोई कदे कोई। भाई जी इंतहाई जरा ना मैंने तंग दिता है तो बड़ी मुश्किल के नाल ना गड्डी चला के लै गए हैं। तो भाई जी हूँ मैं इतने इंतजार कर रहा वड्डे बू का वड्डे बू भी शीशी शुशू पिशू कर गए हैं। तो मैं जो आ जाने तो फिर भाई जी निकलते हैं अगे बिहाड़ी की तरफ। हम जो है ना माशाला सफर करके बिहाड़ी पहुँच गए हैं। तो अब माशाला मामू की तरफ जाना है ठीक है क्राइम पार्टनर से भी मिलना है। तो अम्मी कहती कुछ जो है ना लेट चलते हैं। तो अब भाई जी हम यहाँ से ना आम लेने लगे हैं। एक्सपर्ट बंदे मेरे साथ हैं मेरे ताया अबू वो पसंद करेंगे आम भाई जी। माशाला जी फाइनली वड्डे अबू ने अच्छे अच्छे अंब कटा आ देना लै ही ले तो हम भाई जी चलते हैं अगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई जी माशाल्लाह मामू के घर पहुँच रहे हैं ठीक है ना जी। अब इससे मिले ये है जी वही जो पिछले व्लॉग में आपको नजर आ रहा था अरसलान साहब जी ग्रेट द क्राइम पार्टनर। भाई दसियो वहां हम ठीक हो तबीय से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है मामू जी ठीक हो तबीय से ठीक है ओटे फिट फाट माशाल्लाह आप जी मामू जी बेहतरीन फिट फाट। इससे मिले जी ये रिश्ते में मेरा पोता भी लगता है मामा साहब दी दरे। अस्सलाम वालेकुम यार सलाम तो लै सारे न्याणे सलाम ही नहीं लेंदे यार सलाम तो लै लो इधर मिट्टी मारी दे। ए रिश्ते च मेरा पोता भी लगता है भतीजा भी लगता ते ए जी मेरी पोती ते मेरी भतीजी रूलू रूलू ओए माशाल्लाह। आ जाओ दादा पास आ जाओ यार मैं अद्धी जवान उम्र दे ते दादा माशाल्लाह है। चाचे नु आ जा ओ ताए नु आ जा भाई तू ताया अबू बोलो ताया अबू बोलो ताया अबू ये दादा पिठीवाली कर दो पिठीवाली कर दो ताया अबू ताया अबू पिठीवाली कर दो अजीन खाने का एहतमाम मामू अरशद के घर। और भाई जी अब आपका भाई जाएगा मजे मजे से भाई जी पुलाव और साथ में भाई जी दही भले और मुझे कन्फर्म है ये किसने बनाए होने हैं कहने बनाया है भाई ना अज सफर कर करके भी थक गया ते भाई जी थोड़ा भाई जरा है ना अज खा खा के भी थक ही रहा। बिस्मिल्लाह पेट भी थक ही गया होगा माशाल्लाह जी खाना शाना खा लेना। यहाँ पे फिर हमें नींद नहीं आ रही और एंट्री होती है साथ ही उमेर भाई की और उमेर भाई जो जा रहे हैं वॉशरूम भाई का बेटा मेरा प्यारा भतीजा और पोता सो रहा है। असलान भाई भी सोने की फुल तैयारी में है। तो अब आपका भाई भी बहुत ज्यादा थक गया है। तो अब आपका भाई रेस्ट कर लेता थोड़ा सा तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।